Hey guys, welcome back to my channel. Myself Prachi and होने वाली सी एम ए प्राची. गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. तो गाइज मैं आपको एकदम ईजी ट्रिक बताऊंगी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का, क्योंकि गाइज हमारे सी एम ए फाइनल में इंटर पे रिकन्सिलेशन के क्वेश्चन अक्सर आते ही है. तो गाइज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है और 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे यूँ सॉल्व हो जाएंगे यूँ ये टेक्निक से. देखो गाइज सबसे पहले हम लोग को एग्जाम में दिया रहता है फाइनेंशियल प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट. और गाइज वो दोनों हमेशा डिफरेंट रहते हैं, तो उनको हमको एक करना है. तो उसको कैसे करेंगे, तो देखो गाइज अगर आपके पास फाइनेंशियल डाटा का दिए रहेगा तो उसको सबसे पहले ऊपर लिखना. देन गाइज ये आपकी दो हाथ है, दोनों हाथ को ना आप ऐसा मानो कि एक में आप लिखे हो फाइनेंशियल और एक आपका कॉस्ट. ठीक है गाइज, तो अगर आप लिखे हो एज पर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल, ठीक है ये लिखे हो, तो गाइज याद रखना कि आपका हाथ जो ऐसे ऊपर नीचे होगा वो सिर्फ फाइनेंशियल का होगा. अब आप ये दोनों को प्रॉफिट मान लो. ठीक है गाइज, अब आपको मैं बोली कि डिविडेंड इनकम, तो गाइज डिविडेंड इनकम से आपके दिमाग में क्या ख्याल लगा कि डिविडेंड इनकम तो ना फाइनेंशियल डाटा में होती बट कॉस्ट में नहीं होती, तो उसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा फाइनेंशियल का. ठीक है गाइज, अब आपको इसको कॉस्ट मिलाना, ये दोनों हाथ को मिलाना है, तो क्या करोगे इस हाथ को नीचे लाओगे, नीचे मतलब माइनस. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंट में से जब आप डिविडेंड को माइनस करोगे तो वो कॉस्ट के बराबर हो जाएगा. और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि इंटरेस्ट पेड. ठीक है, जब इंटरेस्ट पे किए होंगे आप तो उससे क्या होगा, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हुआ होगा. ठीक है, तो वो नीचे चला गया हाथ. ठीक है, तो अब आपको इन दोनों हाथ को बराबर लाना है, तो इसको आप ऐड कर दोगे, तो इंटरेस्ट पेड को ऐड करोगे जब आप, तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. इसी के साथ गाइज आप ऐसे वाले ट्रिक सबके साथ कर सकते हो. आई होप गाइज आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगती तो डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय गाइज.